हेलो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट की, यानी कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट की, तो इसकी जो डेट थी वो 15 जून थी। यानी कि जो रिजल्ट के डिक्लेयर होने की डेट थी वो 15 जून थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं मिला है। अगर हम बात करें हाई स्कूल में, तो सत्र 2021 और 22 के सत्र में हाई स्कूल में बच्चों ने 25,25,007 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो 22,50,742 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। यानी कि टोटल 47,75,749 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इन सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने में समय लग रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा काफ़ी समय जो है वो लग रहा है, यानी कि इंतज़ार करवा रहा है रिजल्ट की। जो डेट थी वो 15 से 16 जून के बीच में दी गई थी, यानी 15 जून जो है वो तो ख़त्म हो गई। अब अगर हम बात करें 16 जून यानी कि कल की बात करें, तो कल क्या हो सकता है, तो ये भी हमें वेट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही रिजल्ट की डेट आती है, हम आपको क्लियर बताएंगे कि किस दिन आपका रिजल्ट आएगा। आज यानी कि 15 जून को रिजल्ट नहीं आया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम जैसे ही आपको कोई भी अपडेट आता है रिजल्ट के लिए, हम आपको अपडेट कर देंगे। और रिजल्ट कैसे देखना है, जैसे ही अपडेट आएगा रिजल्ट कैसे देखना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।